बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 9th फिजिक्स क्लास। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फिजिक्स का हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था, विच इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 4.4, टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी, आपके पास कोई भी एक सॉलिड बॉडी होती है जिसके पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, जैसे आपके पास अपने सॉलिड की प्रॉपर्टीज रीड की हुई है ना, कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है, तो रिजिड बॉडी भी आपके पास इसी तरह से एक सॉलिड बॉडी होती है। रिजिड बॉडी की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं ना, ठीक है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसकी कोई जो है ना शेप में, साइज में कोई चेंजिंग नहीं आती। ठीक है, यानी उस पर जो है ना फोर्स अप्लाई करते जाओ, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको एक रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन आता है। एक्सेस ऑफ रोटेशन में अगर आप देखें, ये इधर नीचे डायग्राम है कि यहाँ पे एक कोई नट है, ठीक है, उसको हम स्पेनर से या तो लूज कर रहे होते हैं या फिर उसको टाइट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यानी हम इस स्पेनर के थ्रू हम इस नट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है, और इस फोर्स के जो इफेक्ट में क्या हो रहा है कि ये नट जो है वो रोटेट कर रहा है, तो इट मीन्स कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ठीक है रोटेशन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा कि एक्सिस आपके पास किसी भी बॉडी के अंदर वो वाली लाइन होती है जिस लाइन के थ्रू वो बॉडी आपके पास रोटेट कर रही होती है। जैसे यहाँ पे देखे ना, ये डोर है, ठीक है, डोर को जब आप ओपन या क्लोज करते हो तो ये जहां से ये डोर फिक्स हुआ हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसके नट्स लगे हुए हैं ना, यहाँ से ये फिक्स हुआ हुआ है। ठीक है, तो जब भी आप डोर को ओपन या क्लोज करोगे तो ये इस लाइन के जो है ना टू एंड फ्रो रोटेट करेगा। ठीक है, तो इट मींस कि डोर की जो लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये वाली लाइन होती है। सेकंड, अगर आप ये देखो, डोर नॉब होती है आपके पास, ठीक है, जब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो ये रोटेट करती है। रोटेट, इसके अंदर एक ऐसे मतलब एक्सिस होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आपकी बॉडी रोटेट कर रही होती है तो बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो उस लाइन के टू एंड फ्रो रोटेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखें, स्पिनर को आप जब फोर्स अप्लाई करोगे, नट रोटेट करेगा तो ये अपने एक्सेस ऑफ रोटेशन के जो है ना थ्रू रोटेट करेगा। यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स भी बताए गए हैं कि जब आप पेंसिल को शार्प करते हो तो पेंसिल पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो और पेंसिल रोटेट कर रही होती है। ठीक है, तो वो अपने एक्सेस ऑफ रोटेशन के राउंड अबाउट रोटेट कर रही होती है। ठीक है, यहाँ पे अब अगर आप अपने बुक पे देखें, आपके पास ये एग्जांपल बताई हुई है कि यहाँ पे जो स्पेनर है ये थोड़ा, इसकी आर्म जो है वो थोड़ी लॉन्ग है और यहाँ पे शॉर्ट आर्म वाला है। ठीक है, तो क्या होगा कि जब भी आप स्पेनर यूज करोगे नट को टाइट या लूज करने के लिए, तो ये जो स्पेनर की लेंथ है ये बहुत मैटर करेगी। ठीक है, जहाँ पे आपके पास लॉन्ग स्पेनर यूज होगा इस जगह पे ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यानी आपको लॉन्ग स्पैनर जब आप यूज कर रहे हो तो आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी, और जब आप शॉर्ट स्पैनर यूज कर रहे हो तो आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। इट मींस के जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है या जो जहाँ पे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर लेंथ ज्यादा हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि मोमेंट आर्म अगर, यानी ये जो लेंथ है ये अगर ज्यादा होगी तो यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और अगर ये शॉर्ट होगी तो इट मींस कि टर्निंग इफेक्ट यहाँ पे कम प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे भी अगर आप इस डायग्राम में देखो तो आपको ये बताया गया है कि टर्निंग इफेक्ट क्या होता है। यहाँ पे कोई एक स्पोर्ट है, इसके साथ ये एक बॉडी अटैच है, ये जब रोटेट कर रही है, ठीक है, तो ये अपने इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के राउंड अबाउट रोटेट कर रही है। सेकेंड, ये बात कि ये आपका क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करते हो ना,
तो ये जो जिस जगह पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो वो आपके पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होती है, ठीक है, कि उस पॉइंट के ऊपर फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है, और इस लाइन ऑफ एक्शन से लेकर इस पॉइंट ऑफ रोटेशन तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको आप मोमेंट आर्म बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप टॉर्क का फार्मूला देखो, टा इज इक्वल टॉर्क को आप ये टी से शो करते हो, इसको हम टा बोलते हैं, ठीक है। टा इज इक्वल टू आर प्लस एफ, एफ तो आपके पास फोर्स है जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और आर क्या है, ये मोमेंट आर्म है। मोमेंट आर्म क्या होता है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर जो पॉइंट ऑफ रोटेशन तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम मोमेंट आर्म बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में इसने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बता दी कि जिस पॉइंट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करोगे वो यहाँ पे देखिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी, ठीक है। यहाँ पे इसने पॉइंट ऑफ रोटेशन को शो किया, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन को, और एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरम्यान का जो डिस्टेंस है उसको इसने मोमेंट आर्म कहा है, ठीक है। मोमेंट आर्म को आप स्टडी कीजिएगा। यहाँ पे देखें अगर तो टॉर्क का फार्मूला इसने दे दिया, टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल, यहाँ पे एल को वो मोमेंट आर्म को एल से शो कर रहा है, ठीक है, और फोर्स आपके पास यहाँ पे अप्लाई होगी, ठीक है। टॉर्क आपके पास एक जो है ना वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ इसके अंदर फोर्स आ रही है तो फोर्स आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। सेकेंड ये कि फोर्स का जो यूनिट होता है वो आपके पास न्यूटन होता है, और मोमेंट आर्म आपके पास चूंकि डिस्टेंस है और डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, इसलिए टॉर्क का यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर बन जाता है, ठीक है। आप इस एग्जांपल को भी देखें 4.3, इसमें एफ आपके पास 200 न्यूटन गिवन है, एल आपके पास 15 सेंटीमीटर है, इसको 100 पे डिवाइड करवाएं ये मीटर में आ जाएगा। फार्मूला लगाएं, टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल, वैल्यूज पुट करें, आपके पास टॉर्क का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप इसको स्टडी कीजिएगा, होप सो आपको क्लियर हो जाएगा। मज़ीद अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो बता दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।